गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कई दिनों बाद हम मिले हैं, तबीयत थोड़ी खराब थी, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कंजक्शन। तो कंजक्शन का मीनिंग होता है इट जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। कि कंजक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो दो शब्दों को जोड़ सकता है, दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ सकता है, दो फ्रेज को जोड़ सकता, क्लॉज को जोड़ सकता है, सेंटेंस को जोड़ सकता है। तो दो प्रकार के हमारे पास मेनली कंजक्शन दो टाइप के होते हैं, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। एक थर्ड टाइप भी होता है, वो इसका टाइप नहीं होता, वो एक अलग तरह की हम उसको कैटेगरी बोल सकते हैं। कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं जो पेयर में होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है सात होते हैं, फैन बॉयज, एफ फॉर फॉर एंड नॉर बट और येट और सो। इन सात कंजक्शन को छोड़कर जो भी दो सेंटेंस को, दो क्लोज को, दो वर्ड को जोड़ने का काम करेगा वो क्या होते हैं, वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी सेंटेंस को लेकर कि कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है। तो ये जो हमारा कंजक्शन का चैप्टर होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी हम एक्टिव पैसिव बनाते हैं या डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वहां पे कंजक्शन यूज किए जाते हैं। तो कौन सा कंजक्शन कब कहां यूज किया जाता है फिर वहां हमें देखना पड़ता है। अब जो सामने आपके लिखा है मैंने कोऑर्डिनेट कंजक्शन, उस दिन मैंने बताया था जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है इसका काम और सबऑर्डिनेट कंजक्शन इनका काम, इन दोनों का काम बिल्कुल अलग अलग होता है। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट का काम बिल्कुल क्या होता है, अलग अलग होता है। जिस भी क्लोज के साथ कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगता है उसको कोऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं, और जिसके साथ सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगता है वो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। तो उनका अलग अलग अपना अलग अलग यूज होता है। अभी हम समझेंगे कि किसका यूज कहां और कैसे किया जाता है, ठीक है। अभी देखेंगे हमने कोऑर्डिनेट कंजक्शन का चार टाइप बना दिए हैं, क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडोसेटिव, इलेटिव। तो क्यूमुलेटिव में कंजक्शन आता है एंड, इसका काम होता है जोड़ने का, एंड का यूज जोड़ने के लिए किया जाता है, और नॉर अल्टरनेटिव इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एडोसेटिव उससे अलग, इलेटिव रीजन शो करने के लिए होते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे। एडवर्स क्या होता है, अपोजिट। एडवर्स का रियल मीनिंग क्या होता है, अपोजिट इफेक्ट जिसका है, ठीक है ना। दे आर रिच बट मिजरबली, ये भी एडजेक्टिव है, ये कंजक्शन है। इस कोऑर्डिनेट कंजक्शन से पहले, ये दोनों कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ध्यान से देखेंगे इस बात को, जो इनसे पहले लिखा है वही इनके बाद आएगा। इनके बाद एडजेक्टिव लिखा है तो बाद में भी एडजेक्टिव ही आएगा, इनसे पहले नाउन लिखा है तो बाद में भी क्या आएगा, नाउन आएगा। देखो होता क्या है, जो मिजरली है ना ये एडजेक्टिव होता है, और जो मिजर होता है ये नाउन होता है। अगर यहां पे नाउन लिखा होता तो मिजर आना था, लिखा क्या है एडजेक्टिव, तो मिजरली क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो सेम टाइप, सबसे इनका बेस्ट जो फंक्शन होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन का, वो सेम कैटेगरी के शब्द वर्ड्स को जोड़ते हैं। तो ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, किसने जोड़ दिया, बट ने। अब बट एडवर्सेटिव कैसे है, रिच क्या होता है पॉजिटिव पॉइंट, मिजर क्या होता है नेगेटिव पॉइंट, ये कंजूस होता है। तो यहां पॉजिटिव और नेगेटिव चलता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ही इज वीक एंड कावर्डली, वीक डरपोक, सॉरी वीक कमजोर और कावर्डली डरपोक। तो दोनों कैसी टाइप की क्वालिटी है, नेगेटिव, ये दोनों सेम है, तो सेम को कौन जोड़ेगा एंड, डिफरेंट हो दोनों कौन जोड़ेगा एंड, तो इसलिए इनको कैटेगराइज किया गया है। अरे बात समझ में, इसलिए इनको क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। कोई ऑप्शन लेना हो, यू विल स्टे हेयर और गो, जाओगे या रुकोगे, तो ऑप्शन हो गया तो उसमें किसको लेंगे, और को लेंगे। और आप एप्लीकेशन में लिखते हो सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, क्यों, क्योंकि पहले आप रीजन दे देते हो, रीजन दे देते हो ना, आई एम इल, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसी तरीके से सो यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन की कैटेगरीज थी। अब आगे हम इनका यूज कैसे करते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट यूज होता है, कैसे सबऑर्डिनेट यूज होता है, वो हम आगे फर्दर अभी डिस्कस करेंगे वीडियो में, ठीक है। दो चार एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखे हैं, ध्यान से इन एग्जांपल्स को देखना है। बार बार मैं एक ही चीज कह रहा हूं, अभी तक हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन की बात कर रहे हैं, सिर्फ कोऑर्डिनेट कंजक्शन की, और कोऑर्डिनेट कंजक्शन का काम होता है सेम कैटेगरीज के वर्ड्स को जोड़ना, सेम वर्ड्स, नाउन है तो नाउन, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, इस तरीके से चलेगा कोऑर्डिनेट कंजक्शन का। यहां पे आते हैं, ये हमारा एक जो हमारा सेंटेंस, उसका सब्जेक्ट है दे,
हैव प्लेड उसका क्या है, वर्ब है। अब क्रिकेट, बास्केटबॉल और हॉकी ये तीनों क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेम काइंड है तो दो कंजक्शन हमारे पास है, एंड और कोमा। कोमा भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन ही होता है। किस किस को जोड़ रखा है, तीन वर्ड्स को दो कंजक्शन में जोड़ रखा है, कोमा ने और एक एंड ने। हम कैसे लिखते हैं, ए और बी अगर हमें लिखना तो कैसे लिखेंगे, ए एंड बी, और सी को भी ऐड करो तो फिर कैसे लिखते हैं, ए कोमा बी एंड सी। लास्ट वाले दो जो वर्ड्स होते हैं उनको हम कंजक्शन देते हैं, पहले वाले को हम क्या देते हैं, कोमा देते हैं। डी और ऐड करना हो तो यहां से हटाओ एंड यहां लिखो डी, ऐसा ही होता है ना। तो सेम ऐसे ही होता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन की तरह यूज होता है हमारे पास कोमा। ठीक है, तीनों नाउन है, क्रिकेट भी, बास्केटबॉल भी, हॉकी भी। ठीक है ना, हाँ। दे यूज योर मनी एंड ऑनेस्ट, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, ये हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव, ये हमारा नाउन, ये हमारा एडजेक्टिव कह सकते हो पोजेशन का। ठीक है, ऑनेस्ट क्या होता है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहां पे नाउन है, इस कंजक्शन से पहले क्या है, नाउन है, तो यहां पर भी क्या आएगा, नाउन आएगा, ऑनेस्टी। अरे बात समझ में, तो इस बात का भी ध्यान रखना है, सेम काइंड, सेम टाइप, सेम कैटेगरी होनी चाहिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ। दे विल आइदर बाय अ लैपटॉप और अ डेस्कटॉप, अब वो कह रहे हैं कि या तो वो लैपटॉप खरीदेंगे या वो डेस्कटॉप खरीदेंगे, जी बिल्कुल खरीदा जा सकता है। नाइदर वी बोरो नॉर वी लेंड, ना तो हम उधार लेते हैं ना हम उधार देते हैं, दोनों बातें। अब आप यहां से एक बात समझेंगे, हमारे पास होता है आइदर और, नाइदर नॉर, एक होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन तीनों के पेयर होते हैं, ये हमारे पास हमेशा पेयर में यूज किए जाते हैं, इन तीनों का हमारे पास क्या होता है, पेयर होता है, जैसे आइदर और का इकट्ठा होता है, नाइदर नॉर का होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का होता है। तो आप एक चीज ध्यान से देखेंगे, और नॉर और बट, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, फैन बॉयज में फोर एंड और नॉर होते हैं ना, तो वही है ये, बट नॉर और कोऑर्डिनेट कंजक्शन का क्या काम होता है, सेम कैटेगरीज को जोड़ना, तो इनका भी वही काम होगा। जब भी किसी भी सेंटेंस में इन तीनों का यूज हो, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन तीनों में से किसी एक का यूज हो, तो हम हमेशा ये देखेंगे इन पीछे वालों को देखते हैं, आइदर और का यूज हो तो और को देखेंगे, नाइदर नॉर का यूज हो तो नॉर को देखेंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज हो तो बट ऑल्सो को देखेंगे। ये देखेंगे कि इनका यूज किसके साथ हुआ है, नाउन के साथ हुआ है, वर्ब के साथ हुआ है, प्रोनाउन के साथ हुआ है, एडजेक्टिव के साथ हुआ है। अब यहां पर आएंगे आप, यहां पर और यहां नॉर, यहां और के बाद क्या यूज हुआ है, नाउन, नॉर के बाद क्या यूज हुआ है, वर्ब। तो ध्यान देंगे इस सेंटेंस में जो आइदर आएगा उसके बाद भी क्या आएगा, एक नाउन आएगा, लेकिन आइदर के बाद क्या लिख रखा है, वर्ब, तो आइदर गलत हो गया, आइदर यहां नहीं आएगा, इधर कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। नाइदर के बाद क्या लिख रखा है, प्रोनाउन जो सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पे नोर के बाद क्या लिख रखा है, वर्ब लिख रखा है, तो ये नाइदर भी कहां पे आएगा, हटके यहां पे आएगा। तो ये जो बताया मैंने दोबारा फिर बताता हूं, ध्यान से सुन ली बात को, कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनमें से अगर सेंटेंस में कोई भी एक यूज हुआ है तो हम हमेशा इन दोनों में से लास्ट वाले को देखते हैं, लास्ट वाले के बाद क्या यूज हुआ है, लास्ट वाले के बाद अगर नाउन यूज हुआ है तो इसके बाद भी नाउन आएगा, लास्ट वाले के बाद अगर वर्ब यूज हुई है तो इसके बाद भी वर्ब आएगी, लास्ट वाले के बाद एडजेक्टिव यूज हुआ है तो इसके बाद भी क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो और के बाद नाउन यूज हुआ था तो आइदर को भी हम कहां पे लेके आएंगे, नाउन के साथ। लैंड क्या है, वर्ब है, किसके बाद यूज हो रही है, नोर के बाद, तो नाइदर के बाद भी क्या यूज होनी चाहिए, वर्ब, तो नाइदर को कहां लिखेंगे, बोरो से पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, तबीयत खराब है इसकी वजह से मैं कई दिन लेक्चर डिलीवर नहीं कर पाया। ठीक है, तो आई होप जैसे जैसे हम रिकवर करते रहेंगे आपके लेक्चर आते रहेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।